नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे आज के दिन के हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसके परफॉर्मेंस के साथ में। शुरुआत करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ से पुल बैक मार्केट में क्रिएट हो सकता है। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस हिसाब से पुल बैक हमें देखने को मिला था मार्केट में। ओपनिंग के बाद में मैंने सी साइड का आपको व्यू भी शेयर किया था जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आज हमें सी साइड में देखने को मिल रहा था। 53,260 का इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके आसपास जाकर के एक रिजेक्शन जो है वो हमें बैंक निफ्टी में आज के दिन में देखने को मिला था। अगर से यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी ने भी पहले 5 मिनट की कैंडल जो है काफ़ी बड़ी बनाई थी। अराउंड 25,915 का लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके नीचे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड हो सकता है, और यहाँ से काफ़ी शार्प फॉल हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जो है आज के दिन में देखने को मिला था। ओवरऑल दोस्तों इन लेवल्स के साथ में हमारी जो एक्यूरेसी है वो बरकरार है, और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन रखने की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूँ। तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। इसके बाद में वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। लेकिन दोस्तों वो सीधा टिप्स में आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने अपनी उस सीरीज़ को कुछ दिनों के लिए पॉज करके रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शन भी ट्रेड करते हैं तो मैंने अपनी स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बहुत डिटेल में यूट्यूब पर डिस्कस की है, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर के रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शन भी ट्रेड करते हैं तो उस वीडियो को जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वो वीडियो साबित हो सकता है। आगे जाकर के वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के गुरुवार के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के बारे में, क्योंकि कल हमारे लिए छुट्टी है। निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों तो निफ्टी में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, साथ में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी। तो मेरे हिसाब से गुरुवार को यहाँ से मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड जो है वो हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। अब दोस्तों ये सारे जो भी प्रेडिक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, पहली चीज़ तो प्रेडिक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं किया जाता है, लेवल्स के बेसिस पे और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे किया जाता है। इसलिए ये लेवल्स आपके चार्ट पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जो भी प्रेडिक्शन मैं यहाँ पे आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ये आज के टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से है। 2 दिन हमारे पास में छुट्टी है, अगर इसके बीच में कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। 25,847 के ऊपर निफ्टी यहाँ पे बुलिश हो सकती है। 25,900, 25,963, 26,025 और 26,083 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 25,800 के नीचे निफ्टी वीक हो सकती है। 25,740, 25,675, 25,601 और 25,532 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किया हुआ है, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 5 मिनट की टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है, अब ऑब्वियसली चीज है ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है। वहां पर भी मैं 5 मिनट
की टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है, जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है, इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं, इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है, जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना जो है वो होता है। अगर से बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन हम लोगों को निफ्टी के मुकाबले दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में भी क्रिएट हुआ है, बैंक निफ्टी पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं पर हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी है जिसे ब्रेकआउट देना गुरुवार के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 53,020 के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है, 53,157, 53,308, 53,425 और 53,545 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 52,930 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है, 52,818, 52,695, 52,570 और 52,423 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे गुरुवार के दिन के मैजिकल लेवल्स मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर करें।